पुलिस अधीक्षक गोंडा ने विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स व भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करने तथा चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने शहर क्षेत्र के दुकानदारों, राहगीरों, बच्चों व युवाओं को मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। आज दिनांक 3 फरवरी 2022 को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत पैरामिलिट्री फोर्स व भारी पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक ने आदर्श आचार संहिता एवं कोविड गाइडलाइन के पूर्णतः पालन करने तथा शांतिपूर्ण मतदान करने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने पुरुष, महिला, युवा मतदाताओं को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने हेतु प्रोत्साहित भी किया। चिन्हित क्रिटिकल वल्नरेबल मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन का समस्त कर्मियों को शीघ्र पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा, क्षेत्राधिकारी सदर नगर व पैरामिलिट्री व पुलिस फोर्स के साथ कर्मचारी गण उपस्थित रहे। गोंडा के रहने वाले, मोहल्ले के गांव से आ रहे हो? बिमोर गांव। कौन सा थाना पड़ता है तुम्हारा? नतवारा मिश्रौलिया चौकी तुम्हारी पड़ेगी। तुम्हारे यहाँ कौन सी तारीख को मतदान पड़ेगा मालूम है? वोट पड़ना है 10 फरवरी को नहीं पड़ेगा, बताओ। एक और मौका है, 14 फरवरी भी गलत है, एक और मौका बताइए। 27 फरवरी को, ठीक है। 18 के ऊपर कौन कौन है इसमें? 18 साल से ऊपर हो सभी लोग? ये जानकारी रखिए कि 27 फरवरी को आपके यहाँ पे क्या होना है, वोट पड़ना है। महिलाएं जाती है, वोट डालने जाती है, मालूम है ना? मम्मी उम्मी जाती होगी ना घर में, तो जिसका भी वोट है वो जाके डालेगा। लेकिन सबसे पहले इस चीज की जानकारी रखिए कि 27 फरवरी को तुम्हारे यहाँ वोट पड़ेगा। जहाँ पे भी सेंटर होगा, लीडर होके अपने मत का प्रयोग करिए। क्या करेंगे? महिलाओं को वोट डालने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए, हमारी महिला फोर्स भी रहेंगी और बाकी भी हमारी फोर्स रहेंगी और खूब सारी महिलाएं भी, कांस्टेबल भी, सिपाही भी ड्यूटी पे रहेंगी, तो निडर होकर अपने मत का प्रयोग करेंगे जितनी भी हमारे महिलाएं हैं। अब इस बार हमारे साथी और संगी होंगे सर। जनपद गोंडा में आज विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में करीब 6 किलोमीटर का रूट मार्च पैदल गश्त पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ में किया गया। एरिया डोमिनेशन की इस कार्रवाई में पब्लिक को जागरूक करने के साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले जो भी सेंसिटिव संवेदनशील स्थान थे उनको चेक किया गया। जो हिस्ट्री शीटर, मतदान केंद्र इत्यादि थे उनको हमारी फोर्सेस के द्वारा चेक किया गया और यही मैसेज देने का काम किया गया कि आगामी 27 फरवरी को जनपद गोंडा में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जो मतदान होना है वह प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा सकुशल ढंग से संपन्न कराया जाएगा। सभी मतदाता भयमुक्त निडर होकर अपने वोट का प्रयोग करें और जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास करेगा या चुनाव को गलत ढंग से प्रभावित करने का प्रयास करेगा उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी एवं आगामी आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से कार्रवाई जो है चलती रहेगी।